अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हमजा और आप देख रहे हैं डिजिटल हमजा। तो अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं, आपको इंग्लिश का पता है, कहाँ से ऐसे कोर्स एसईओ के बताऊंगा जो आप फ्री में कर सकते हो, जो सर्टिफिकेशंस होंगे उनके आपको सर्टिफिकेट भी साथ मिल सकते हैं, उन सर्टिफिकेट की वर्थ होगी। ठीक है, एसईओ तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन उन जो सर्टिफिकेट्स होंगे उनकी वर्थ होगी, वो आपकी सीवी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला कोर्स है वो आपने करना है सेमरश का। सेमरश का एक सर्टिफिकेट कोर्स आता है एसईओ का, आपने वो करना है। ठीक है, वो आप करें, उसमें आपको साथ आपने पहले आपने उस कोर्स को देखना है, उसको समझना है, उसके बाद आपने उसके सर्टिफिकेट के लिए हमने एग्जाम देना है, आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो गूगल गैरेज का टोटल जो वो कोर्स है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, आप वो कर लें, उससे आपको टोटल हर चीज़ डिजिटल मार्केटिंग का रिलेटेड समझ आ जाएगी। लेकिन वो जो कोर्स का सर्टिफिकेट है वो आपके लिए वर्थ होगा, क्योंकि वो एसईओ का या डिजिटल मार्केटिंग का गूगल का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, वो आपने गूगल का सर्टिफिकेट वहाँ से हासिल किया होगा। तीसरा कोर्स आपने जो करना है वो करना है हबस्पॉट का। हबस्पॉट का भी एक फ्री में कोर्स आता है एसईओ का, जो आप करके उनसे एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हबस्पॉट भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, जिसके ईमेल मार्केटिंग के काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको भी सर्टिफिकेशन के लिए कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो आप उनके कोर्सेज को भी समझ सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड होते हैं कोर्सेज, आपको थ्योरी ज़्यादातर पढ़ाई जाती है, कुछ कोर्सेज होते हैं जो प्रैक्टिकली तौर पे भी आपको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, प्रैक्टिकल आपका टोटल करते हैं और करवाते हैं और आपको प्रैक्टिकली वे में बताते हैं, लेकिन वो थ्योरी बेस्ड ज़्यादातर कोर्सेज होते हैं। जो वो आप करें उससे भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके अलावा जो मैं आपको कोर्स बताने वाला हूँ, वो कोर्स जो है वो वर्थ होंगे, अगर आपने उनको देखना है तो आपके लिए वो वर्थ होंगे, आपको कोई ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, ये उनके कोर्सेज हैं। सबसे पहले है एसईओ अनलॉक्ड का, ये नील पटेल का कोर्स है, जिनका टूल है ऊबर सजेस्ट। अगर आप उनका ये कोर्स करेंगे, ये यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप ये देखें, इससे भी आपको एक अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी। आप ये सोचिए कि जिसकी अपनी वेबसाइट है कीवर्ड सर्चिंग की, जिसने अपनी एक बहुत ज़्यादा उम्र उसमें जिस फील्ड में उसने दिया, उसका अगर वो कोर्स आप करेंगे तो आपको कितनी नॉलेज मिलेगी, कितनी वर्थ मिलेगी। ठीक है, आप उनसे वो एक उनका भी वो कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कोर्स आपने देखने हैं वो इसके अलावा जो अगला कोर्स है वो है योस्ट एसईओ का कोर्स, जो आपने योस्ट का एसईओ का, योस्ट के बेसिकली दो कोर्स आते हैं, एक फ्री में भी अवेलेबल है, एक पेड में भी अवेलेबल है। आपने फ्री वाले के लिए साइन अप करना है, आपने योस्ट का जो कोर्स है वो करना है। योस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो योस्ट एक ऐसा प्लगइन है जो आपने यूज़ करना है अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। अपनी वेबसाइट को जो ऑप्टिमाइज़ करना होता है वो योस्ट का प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे, उससे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो योस्ट का भी फ्री में आता है एक कोर्स। लेकिन ये जो लास्ट वाला कोर्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अगर तो आप उर्दू ज़ुबान, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप समझ नहीं सकते, तो उर्दू ज़ुबान का एक कोर्स है जो इसके आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में कोर्स है, वो डीजी स्किल्स है, जिनके कोर्सेज मैंने भी किए हैं। मैंने उसका चौथे बैच में उसमें मैंने कोर्सेज किए थे, एक डिजिटल मार्केटिंग का और साथ फ्रीलांसिंग का किया था, उसके बाद मैंने एसईओ का भी किया था। ये कोर्स मैंने तीन वहाँ से किए थे और आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा एसईओ का, और उसमें जो पाकिस्तान को वो डीजी स्किल है वो बिगनर लेवल से आपको सिखाएगा एसईओ को, आपने एसईओ किस तरह करनी है। ठीक है, आप वो कोर्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा बेसिकली मैं आपको कोर्सेज का तो आपको मैंने बता दिया कि ये कोर्स हैं जो आप फ्री में कर सकते हैं, इनसे आपको वर्थ मिलेगी, और इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं एसईओ के रिलेटेड ही कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। मेरे कुछ एसईओ के भी कॉन्टेंट अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं और मुझसे पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन इतना अर्सा हो गया कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एसईओ वर्क किस तरह करता है। जैसे मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, जिसका मैंने आपको बताया, जिसकी केस स्टडी भी मैंने आपके साथ शेयर किया, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि एसईओ एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं से भी कोर्स ले लें, कहीं से भी आप कुछ भी कर लें, सर्टिफिकेशन ले लें, कहीं से भी सीख लें, वो तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप उसको खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपने एसईओ सीखनी है तो अपनी वेबसाइट साथ लाजमी बनाएं, अपनी वेबसाइट चाहे वो ट्रायल बेस पर बना लें, फ्री में blogermarketer.com का कोर्स एक बनाने वाला हूँ, उस पर जाके बना लें, आप blogermarketer.com पर बना लें। अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हैं कि शायद आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं और ब्लॉगर का कोर्स आ गया हो, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। अगर वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी देख लें, उससे आपको blogermarketer.com की समझ आ जाएगी कि ब्लॉगर एक है चीज़ क्या, प्लेटफॉर्म क्या है, उस पर आप स्टार्ट करें। इससे ये होगा कि अगर आप एक साल पूरा प्रॉपर एक साल स्टडी में
और इम्प्लीमेंटेशन पे लगाओगे तो एक साल के बाद आप लर्न भी करोगे और अर्न भी करोगे, क्योंकि एक साल के बाद आपका वो ब्लॉग रैंक कर चुका होगा अगर आप प्रॉपर काम करोगे। लेकिन अगर वो आपका वेबसाइट रैंक नहीं करती, आप उससे अर्न नहीं करोगे, तो आप उस वेबसाइट की जितनी नॉलेज, आपकी जितनी नॉलेज एक साल में होगी प्रैक्टिकल बेसिस पे, आप उसको एक नई वेबसाइट बना के उस पर इम्प्लीमेंट करना, तो 100% आपको उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपने पहली वेबसाइट पर पूरे प्रैक्टिकल किया होगा, अपने हर एक्सपीरियंस को उस पर लगाया होगा, जहाँ पर भी आपको मसला आया होगा आपने उस पर स्टडी की होगी, तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये कोर्सेज आप करो, आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगी, आपकी CV भी इम्प्रूव करेंगे, आपको नॉलेज भी देंगे। ठीक है, इनको आप ज़रूर चेक करो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।